सो आपने एंजॉय किया आज मैडम आपने यहाँ पर? बहुत इंजॉय किया, लेकिन हम लोग जब आते हैं तो स्टार्टर ही खाते हैं। फूड हियर इज अमेजिंग, इट सूट्स द इंडियन स्टमक फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट हैवी ऑन मसालास एंड इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स सटल। स्टार्टर्स आपको बेसिकली यहाँ का सबसे अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टर काफी बेहतर होता है। मुझे ऐसा लगता है मेन कोर्स कोई कम ही लोग लेते, ज्यादातर स्टार्टर ही खाते हैं लोग। नहीं नहीं, नॉन वेज खूब चांगला है, म्हणजे जे स्टार्टर आहे ते तर म्हणजे अप्रतिम। सबसे बेस्ट आम्ही मोस्टली इथे येतो फक्त प्रॉन्स आणि फिश साठी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लिमिटेड फूड्स बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खा लिया, लिमिटेड फूड्स बहुत सारे ढाबा पे खा लिया। तो फ्रेंड्स, आज वक्त है, मैं और नौशाद आज खाने वाले हैं अनलिमिटेड फूड्स हियर एट बारबेक्यू नेशन। और फ्रेंड्स, आज हम लोग इनका जो है ना चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, बेसिकली मुंबई में बहुत सारे इनके ब्रांचेज होते हैं, एंड आज हमने चूज़ किया हुआ है फिनिक्स मार्केट सिटी हियर इन कुर्ला वेस्ट, और खाने वाले हैं यहाँ का अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ वेज एंड नॉन वेज फ्रेंड फूड। तो चलिए चलते हैं अंदर, आइए प्लीज कम इन। तो फ्रेंड्स, सिगड़ी आ चुकी है हियर एट बारबेक्यू नेशन। अब इसमें लगेंगे नॉन वेज और वेज डिशेस, प्लीज लाइए ना प्लीज। दिस मस्टर्ड चिकन ना? यस। ओहो, हॉट हरियाली फिश टिक्का, सो नाइस। चिली गार्लिक प्रॉन्स। फ्रेंड्स, सिगड़ी आ चुकी है, उस पर जो है स्टार्टर्स भी लग गए। चलिए उठाएंगे और देखते हैं कैसे बना हुआ है। वैसे मैं बता दूँ कि ये वाले आउटलेट में भी मैं आया हुआ हूँ आज। चलिए देखते हैं, देखिए अब धुआं भी निकल रहा है इसके अंदर से, कितना अच्छा लग रहा है ये। चलिए लेंगे इससे और निकालते हैं इसको। और स्टार्टर्स जो है ना, जनरली फ्रेंड्स मैं फोक नहीं यूज़ करूँगा, मैं हाथ से खाना प्रेफर करूँगा मैं। एंड आप देख सकते हैं, दिस इज़ स्पेशल ग्रीन चटनी इनकी, ये अच्छा लगता है खाने के लिए। चलिए लेते हैं, आई विल पुट अ ड्रॉप ऑन दिस चिकन। थोड़ा हॉट भी होता है, बिकॉज इनकी जो सिगड़ी होती है ना वो भी हॉट होती है, और ये अंदर से हाफ डन प्रिपेयर होके आता है ये फ्रेंड्स। चलिए लेते हैं, सो सॉफ्ट। हाँ, चिकन इज एब्सोल्युटली सॉफ्ट, थोड़ा सा हल्का हल्का स्पाइसी लग रहा है, फ्लेवर्ड लग रहा है फ्रेंड्स। मतलब बोलते हैं जो जो ज़बान पे जो फ्लेवर्डनेस आना चाहिए, जायकेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड जो इनके ग्रीन चटनी के साथ में जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ उम्दा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ये स्पाइसी नहीं है, मतलब बच्चे हो या बड़े हो सब खा सकते हैं। मज़ा आ रहा है। मैं बता दूं, खाने के टाइम पे ना गर्म भी लग रहा है, अंदर जमान पे गर्म भी लग रहा है, इतना मस्त मस्त बना। एंड अगर आप देखें ना, धुआं भी निकल रहा है इसमें से। चलिए अभी लेंगे इनकी हरियाली फिश, थोड़ा ग्रीन कलर का है, देखते हैं कैसा बना हुआ है ये भी। ओहो, धुआं निकल रहा है, सॉफ्ट कितना है देखिए, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे। एंड फिर मैं बता दूँ, बारबेक्यू नेशंस में फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस यू विल गेट अनलिमिटेड फूड, जितना आपका पेट खाली आप उतना खा सकते हैं। मुझे ग्रीन चटनी के साथ में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी लेंगे इनकी फिश। ओहो, एक्सीलेंट, सॉफ्ट बना हुआ है, मज़ा आ रहा है, जायकेदार, अच्छा लग रहा है मुझे। ओहो, सॉफ्ट देखिए कितना स्पंजी लग रहा है ये पूरा। फ्लेवर्ड ये भी कुछ इनके हरे मसाले में बना हुआ है, एनरिच विद ऑल द इंडियन स्पाइसेस, मज़ा आ रहा है, जायकेदार फ्रेंड। अब जो है सी फूड में प्रॉन्स इज़ माय फेवरेट,
तो चलिए देखते हैं कि बारबेक्यू नेशन की जो है ना प्रॉन्स इन्होंने किस तरीके से बनाया है। एंड दिस इज अ स्मॉल प्रॉन्स, आप देख सकते हैं निकल नहीं रहा है ये इसके अंदर सलिए में से, गर्म भी है ये। ओहो, आज मैं भरपेट खाना खाने वाला हूँ। एंड एंड फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा लंच ना मैंने कम लिया हुआ था अलोंग विद ग्रीन चटनी। ओहो ईजी, आहा फ्रेश, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, थोड़ा भी इसमें से स्मेल नहीं आ रहा फ्रेंड, मज़ा आ रहा है। फ्लेवर्ड है सादा, थोड़ा सा फ्रेश, मतलब बोलते हैं ना स्पाइसी नहीं लग रहा है, थोड़ा भी फ्लेवर तो लग रहा है इसमें, मज़ा आ रहा है। अच्छा, इनका प्रॉन्स उस तरीके से बना हुआ है ना, जिनको थोड़ा सा हल्का फीका वगैरह खाने का जो मज़ा आएगा उनको ये सी प्रॉन्स इनका बहुत मज़ा आएगा, स्पाइसी थोड़ा भी नहीं है और सॉफ्ट है, अच्छे तरीके से इन्होंने इसको रोस्ट किया हुआ है, ग्रिल किया हुआ है। चिकन लेग पीस ना, चिकन लेग पीस, हाँ, और थोड़ा इसके ऊपर भी डिप करता हूँ मैं। वैसे भी जो है चिकन लेग पीस का मैं दीवाना हूँ, एंड बारबेक्यू नेशन का अगर चिकन लेग पीस है तो वो बहुत मस्त लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं। बहुत ही फ्लेवर्ड लग रहा है एंड पाइपिंग हॉट। और एक बाइट लेते हैं जरा, बहुत मज़ा आ रहा है। चार पीस आएगा रेड में पाइपिंग। चिकन लेग पीस का अलोंग विद दिस ग्रीन चटनी का जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड, जायकेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड यू कैन सी चिकन इतना टेंडर है, सॉफ्ट बना हुआ है एंड रोस्ट किया हुआ है इसको, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। मटन मुगलाई सीख, मटन मुगलाई सीख, वाओ। लेते हैं जरा इसको अलोंग विद ग्रीन चटनी। इनकी ये ग्रीन चटनी कॉमन है और स्पाइसी नहीं है। आइए प्लीज, ये चिकन है ना, चिकन सीख कबाब सर प्लीज, चिकन सीख कबाब। हो बहुत ही मज़ा आ रहा है। चलिए आई टेक दी चिकन सीख कबाब फर्स्ट, देखते हैं। हॉट है एंड यू कैन सी कितना ये सॉफ्ट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पाइपिंग हॉट आया हुआ पूरा। चलिए ग्रीन चटनी के साथ में खाते हैं इसको, देखते हैं कैसा लग रहा है। हरे मसालों का फ्लेवर आ रहा है एंड बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, एक्सीलेंट। बोलते ना मुख्तलिफ किस्म का एक जो जायका होता है, एंड ये थोड़ा सा हल्का सा ना स्पाइसी भी लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स आज इनके मल्टीपल वेराइटीज़ खा के बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मैं आपको बता दूँ अब बारबेक्यू नेशन पे ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज मेड ऑल लोअर स्पाइसी, मतलब सो दैट एवरीबडी कैन ईट देयर फूड्स, ऐसा होता है खाना, मज़ा आ रहा है। सीख जो है ना फ्रेंड मुँह में जाते ही घुल जा रहा है, इतना सॉफ्ट बना हुआ है। चलिए अभी लेंगे मटन सीख, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले इनका सॉफ्टनेस, देखते हैं कैसा है। सेम टू सेम सॉफ्ट बना हुआ है फ्रेंड्स। इसको लेंगे ग्रीन चटनी के साथ में वंस अगेन। ये क्या है, क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी चिकन, वाओ। एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा आ गया फ्रेंड्स, दिस इज क्रिस्पी चिकन, ओनली टू पीसेस, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स चलिए मटन सीख को कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेस्ट लाइक चिकन सीख, फ्लेवर्ड है, हरे मसालों में बना हुआ है, सॉफ्ट है, टेंडर है चिकन एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है एंड हल्का सा स्पाइसी भी है। अब लेंगे इनका चिकन क्रिस्पी, खाते हैं जरा, देखते हैं कैसा बना हुआ है। फ्रेंड जैसा इसका नाम है उतना वो क्रिस्पी, जैसे नाम इसका चिकन क्रिस्पी है उतना ही क्रिस्पी बना हुआ है एंड इट्स हॉट फ्रेंड, मतलब इनके हर एक डिश जो है ना, भले फिर वो सिकड़ी वाली हो या बाहर से जो प्लेटर के फॉर्मेट में आ रही है, सब पाइपिंग हॉट आ रहा है फ्रेंड, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। अब वक्त है मेन कोर्स का, तो मेन कोर्स में सबसे पहले लेंगे ग्रेवी।
anda masala and fish curry. And here is my chicken biryani. आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है. ये है लाल मांस, आप देख सकते हैं. चलिए, मेरा फेवरेट है दम का मुर्ग, तो लेते हैं जरा, इसको उठाएंगे एंड मैं थोड़ा थोड़ा आइटम लूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे. बहुत ही थिक ग्रेवी लग रही देखने में. आई टेक वन चिकन का पीस ऑल्सो. ओहो, आप देख सकते हैं रोटी का मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आ जाएगा. एंड ये है फिश करी. मैंने बाउल नहीं लिया है, मैंने प्लेट में लेना प्रीफर कर रहा हूँ मैं. फिश इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. आप देख सकते हैं कितना ही करी है. Here is my दम का मुर्ग एंड फिश करी. चलिए फ्रेंड्स, अभी मंगाएंगे रोटी और उसके साथ में इसको ट्राई करने वाले. चलिए चलेंगे बैक टू द टेबल. तो चलिए लेंगे फर्स्ट बाइट और देखते हैं कैसा बना हुआ इनका करी. थोड़ा भी स्पाइसी नहीं है. तो चिकन पीस लेके देखते हैं जरा कैसा है. करी ठीक है, मज़ा आ रहा है खाने में. बारबेक्यू नेशन के जो है ना इंग्रेडिएंट जो है ना, इनके अपने होते हैं, ऑल इंडियन रिच स्पाइसेस. चलिए अभी लेंगे इनकी फ़िश करी, देखते हैं कैसा है. थोड़ा सा फ़िश भी लेता हूँ मैं. एंड आप सब जो तो जानते हैं कि मैं फ़िश का दीवाना हूँ. फिश बहुत ही सॉफ्ट है. भाई चिकन करी से डिफरेंट फिश का करी का फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ रहा है. थोड़ा भी स्पाइसी नहीं है. अब वक्त है खाने का बिरयानी. तो सबसे पहले नॉन वेज चिकन बिरयानी लेते हैं, देखते हैं कैसे लग रहा है ये. ओहो, मैं बिरयानी खाने का जो है ना बहुत शौकीन हूँ. मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे वेज भी लेना है. तो आई विल टेक लिटिल बिट ओनली वेज एंड नॉन वेज. देखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये. थोड़ा सा वेज बिरयानी भी लेते हैं एंड दोनों लेके फिर ट्राई करते हैं कैसे हैं. चलिए ले लिए वेज एंड नॉन वेज का कॉम्बिनेशन. चलिए बैक टू द टेबल. सो फ्रेंड्स, इसमें नॉन वेज बिरयानी भी है और वेज बिरयानी इस तरफ है. तो चलिए सबसे पहले लेंगे चिकन बिरयानी इनकी, देखते हैं कैसी है. थोड़ा कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा भी स्पाइसी नहीं लग रहा है ये फ्रेंड्स. मज़ा आ रहा है. एंड चावल भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही भरभरे हैं, खुले हुए चावल बने हुए हैं. एंड ऑल लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस मस्त बना हुआ है. एक्सेलेंट. अभी थोड़ा चिकन के पीसेस उठाता हूँ मैं, हाथ से लेना पड़ेगा मुझे इसको. देखते हैं कि टेंडर है या नहीं है. सॉफ्ट तो है ये. फ्रेंड्स, मैं इनकी चिकन बिरयानी के बारे में बोलना चाहूँगा, अच्छा टेस्ट आ रहा है. स्पाइसी थोड़ा भी नहीं है, मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं. एक्सेलेंटली. एंड चिकन के पीसेस भी जो है बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर है. मसाले में अच्छे से उसको बोलते हैं ना मिक्सचर करके बनाया हुआ है. मैरिनेशन भी अच्छा किया हुआ है. चलिए अभी ट्राई करते हैं इनकी वेज बिरयानी. वेज बिरयानी में अगर आप देखेंगे तो कैरेट डाला हुआ है, कुछ फ्लावर्स वगैरह भी डाले हुए हैं. ओहो, चलिए देखते हैं कैसा है. एंड मटर वगैरह भी डाला हुआ है फ्रेंड्स इसके अंदर. आई टेक द फर्स्ट दिस थिंग. कंपेयर टू द चिकन बिरयानी फ्रेंड्स, मैं बता दूँ वेज बिरयानी मुझे ज़्यादा मसालेदार लग रही है. मज़ा आ रहा है खाने में. सो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया हूँ मैं, वो पूरा फुल हो चुका हूँ मैं फ्रेंड्स. अब चलिए वक्त है डेजर्ट का. डेजर्ट में आप देख सकते हैं कितने सारे वेराइटीज़ हैं. फिरनी हैं, पेस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि फिरनी जो है ना मेरा फेवरेट है, तो मैं सबसे पहला फिरनी टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि बारबेक्यू नेशन की फिरनी कैसे बनी हुई है. ओहो,
एकदम लव लव लग रहा है, आप देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है। मटके के बर्तन में आया हुआ ये, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, स्वीट लग रहा है ये एंड अच्छे तरीके से उसको बनाया हुआ है, लबालब एकदम पूरा लग रहा है। जैसे क्वालिटी फिटनिंग की जो टेस्ट होती है ना, फ्लेवर्ड होता है, उस तरीके से इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा है। कितने प्यारे बर्तन में दिए हुआ फ्रेंड्स। मेन कोर्स में अगर बात किया जाए तो उसमें क्या आपको अच्छा लगा? मेन कोर्स में सभी अच्छे हैं, जैसे चिकन के ये हो गया या दाल चावल हो गया, सब अच्छा है। सर हम लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो फिश अच्छा लगता है। अच्छा। और चिकन तो नॉर्मली लोग का बेस्ट ही होता है। ओके। बट हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फिश के लिए। बिरयानी करते ही ट्राई किया का? वो बिरयानी ही ट्राई के लिए भी ऐसे बढ़ते थे कि थोड़ी स्पाइसी कमी है पन चांगली है, टेस्ट चांगले था। हो आप जो है ये बारबेक्यू नेशन अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी लोगों को मैं कहूँगी, जैसे बर्थडे हो गया, सालगिरह हो गया, फंक्शंस में काफ़ी अच्छा है कि हम फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली 101% रिकमेंडेड करेंगे। परत एनआर आई था? परत अभी रेगुलर है। अच्छा, फैमिली बरोबर परत एनआर आई था? नक्की नक्की। और सर आपको बारबेक्यू नेशंस का एम्बियंस कैसे लगता है? सर सर बहुत ज़्यादा बेटर है। इज द एम्बियंस हियर इज सटल, इट्स फैमिली फ्रेंडली एंड यू कैन यू नो द You can eat as much as you want. It suits the ambience. So that's the same. यहाँ पर मिलता है unlimited food. आप में बोलते ना जितना मर्जी हो उतना आप खाइए पेट भर के, unlimited varieties friends. तो चलिए बहुत ही जल्दी ऐसे ही और एक नए ब्लॉग के साथ में मैं आप लोगों को मिलता हूँ। Till that time मिलते हैं मेरे next ब्लॉग में। Bye bye.